हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे आपके क्लास 10 का चैप्टर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। मिनरल्स और ओर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम आपको क्या बता चुके हैं, देखिए। अर्थ क्रस्ट में आपको मिनरल्स मिलेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल की परसेंटेज ज्यादा हो सकती है या फिर मेटल की परसेंटेज कम हो सकती है, लेस हो सकती है, ठीक है, उसे हम मिनरल कहेंगे। अगर अर्थ क्रस्ट में आपको मिनरल्स मिल रहे हैं जिसमें मेटल की परसेंटेज ज़्यादा या कम, दोनों हो सकती है मिनरल्स में। अगर ज़्यादा मिल रहे हैं परसेंटेज मेटल में, मेटल की परसेंटेज ज़्यादा है मिनरल्स में, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको ओर्स कहेंगे, ठीक है। वो क्या है, ओर। अब ओर्स में आप तमाम तरह के स्टेप यूज करेंगे, मल्टीपल स्टेप यूज करके आप क्या निकालेंगे ओर से, मेटल, ठीक है। क्योंकि ओर में इम्प्योरिटीज भी होती है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इम्प्योरिटीज भी तो मिलेगी। फॉर एग्जांपल रेत है, सैंड है, और ये इसके अलावा और भी बहुत सारी इम्प्योरिटी हो सकती है, तो और में आपको ये मिलेगी। तो आप इन सबको अलग कर करके प्योर मेटल निकाल लेंगे, ओके। तो अर्थ क्रस्ट में आपको मिनरल मिलेंगे, मिनरल के अंदर मेटल की परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर ज़्यादा परसेंटेज में मिनरल है ना, मिनरल के अंदर मेटल, तो उसे क्या कहेंगे, उसी मिनरल को और कहेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीपल स्टेप यूज करके प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, फिर उस मेटल को यूज़ कर लेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ पर मिनरल्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अक्रिंग नेचुरली आर मिनरल्स, नेचर में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है मिनरल्स के बारे में। ओर्स, और क्या है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर, उसमें प्रॉफिट हो रही हो। प्रॉफिट कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे ना, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें मिनरल मिला उसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज में मेटल हो। अब जब भाई ज़्यादा परसेंटेज में मेटल होगी, सपोज इसमें गोल्ड है, ज़्यादा गोल्ड मिल रहा है हमको किसी मिनरल में से, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी, पैसे भी ज़्यादा कमाए जाएंगे, राइट। तो उसको क्या कह देंगे, उस मिनरल को और कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेट और, ये सब ओर्स होती हैं। सल्फाइड के भी हो सकते हैं, ऑक्साइड के भी हो सकते हैं, कार्बोनेट के भी हो सकते हैं, ओके। मेटल एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली अकर इन फ्री स्टेट, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में अगर नीचे जाएंगे, हमने आपको लेक्चर 3 में एक्टिविटी सीरीज दिखाई थी, अगर आप एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे, गोल्ड मिलेगा आपको, प्लेटिनम मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, कॉपर मिलेगा। ये फ्री स्टेट में इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, प्योर स्टेट में। बट कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो अकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड और, कॉपर और सल्फाइड क्या होते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म में भी मिलेगा कॉपर और सिल्वर आपको फ्री फॉर्म में तो मिलेगा, कॉपर जैसा है वैसा है मिलेगा एलिमेंट, Ag भी सिल्वर भी वैसे ही मिलेगा, लेकिन ये नेचर में सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलेंगे एंड ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलेंगे, तीनों फॉर्म में मिलेंगे, फ्री स्टेट में भी मिलेंगे, सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलेंगे एंड ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलेंगे, कौन, कॉपर एंड एजी। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जैसे जिंक है, Fe है, Pb है, etc, अगर मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। तो मेटल कंपाउंड बना रही है, मेटल मिलकर कंपाउंड बना रही है, ये सब मेटल्स है, कौन कौन से, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में, जो मीडियम में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। ये ऊपर का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन है, और ये सबसे नीचे का पोर्शन है, तो ये बीच वाला है। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ये वाला जो ऊपर की तरफ है टॉप, ये बॉटम है,
जहाँ पर हाई रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं जो मेटल टॉप पर हैं वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर वेरी रिएक्टिव एंड दस फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे, फ्री स्टेट में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि किसी ने किसी के साथ रिएक्शन कर लेंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब बात आ रही है गैंग की। गैंग आपके लिए न्यू टर्म है। ये क्या होता है? ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्सड इम्प्योरिटी लाइक सोइल सैंड ईटीसी कॉल्ड गैंग। ओके, अगर हमको सपोज नेचर में ओर मिल रहा है तो उसके साथ हमको क्या क्या मिल रही है? सोइल मिल रही है, मिट्टी मिल रही है, रेत मिल रही है, इसके अलावा और भी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब मिल रहे हैं, तो उन सबको क्या कहेंगे? जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हें क्या कह रहे हैं? गैंग कह रहे हैं। इम्प्योरिटी को आप क्या कह रहे हैं? गैंग। जब इन इम्प्योरिटी को हटाएंगे तो और से प्योर मेटल तभी तो मिलेगी, तो आपको पहले ये जो गंदगी है वो साफ करना पड़ेगी, तभी तो आपको मेटल मिलेगी। द गैंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ, तो उसको रिमूव तो करना पड़ेगा गैंग को। अब बात यहाँ आ रही है, ये पूरा फ्लो चार्ट है एनसीईआरटी में दिया गया है, ये आपकी ओर है। तो यहाँ पर जब ओर को कंसेंट्रेट करेंगे, है ना, कंसेंट्रेट करेंगे मतलब उसको इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में ला रहे हैं आप, तो कंसेंट्रेशन ओर कहलाता है। ये क्या है? यहाँ पर गंदगी है, इम्प्योर फॉर्म है ओर की, यहाँ पर ये प्योर फॉर्म है, पूरी तरह से प्योर नहीं है लेकिन कुछ परसेंटेज में आपने प्योर कर दिया, और में से मेटल निकाली वो कुछ हद तक प्योर है, तो कंसेंट्रेशन ओर है हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर वो जो मेटल है जो आपको कंसेंट्रेशन ओर के बाद मिली वो कैसी है? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिव मेटल हो सकती है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी जिसमें हाई रिएक्टिव थी टॉप पर, मिडल में बीच वाली रिएक्टिविटी शो कर रही थी और जो नीचे थी बॉटम पर वो लो रिएक्टिविटी शो कर रही थी। तो यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन ओर है तो यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकती है ना, मेटल आपको कोई भी मिल सकती है, किसी भी टाइप का ओर मिल रहा है किसी भी मेटल का, तो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? हो सकता है वो हाई रिएक्टिव मेटल हो सकता है वो मीडियम रिएक्टिव मेटल हो या फिर लो रिएक्टिव मेटल हो, है ना, समझ गए आप? तो यहाँ पर जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसको आप कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको प्योर मेटल मिलेगा। यहाँ पर इम्प्योर से प्योर मेटल लिया था, प्योर मेटल पूरी तरह से प्योर नहीं था, कुछ इम्प्योरिटी अभी भी बाकी रह गई हैं। तो यहाँ पर जो आपने स्टेप किया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसके लिए और पूरी तरह से प्योर मेटल आपको मिल गई, इसलिए आपने ये सारे स्टेप किए हैं। आप सोचेंगे कि मैम जब इम्प्योर मेटल से हमने प्योर मेटल बना ली तो हम ये सारे स्टेप कर क्यों रहे हैं? जो मेटल आपको कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में प्योर मिली थी वो पूरी तरह से प्योर नहीं था, उसमें फिर भी कुछ परसेंटेज में इम्प्योरिटी रह गई थी, वो इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए हमने ये फर्दर स्टेप्स किए इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह। अगर हाई रिएक्टिव मेटल है तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और उसके बाद आपको प्योर मेटल मिलेगी, अगर मीडियम रिएक्टिव मेटल है तो उसका कार्बोनेट होगा या फिर सल्फाइड ओर होगा, ये तो आपको पता ही है। अगर मीडियम रिएक्टिव मेटल है तो कार्बोनेट ओर होगा या सल्फाइड ओर होगा, अगर कार्बोनेट ओर है तो उसका आप कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे, और अगर आपको सल्फाइड ओर मिल रहा है मीडियम रिएक्टिव मेटल का तो आप क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है इसकी हम बात आगे करेंगे। उसके बाद आपको ऑक्साइड मिलेगा मेटल का, मेटल का क्या मिलेगा आपको? ऑक्साइड मिलेगा। फिर उसके बाद उस ऑक्साइड को, जो मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, आप उसको रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे। इतने स्टेप करेंगे जब आपको मीडियम रिएक्टिविटी मेटल दी गई हो तो, समझ गए आप? अब जो लो रिएक्टिव मेटल है उसका क्या है? सल्फाइड ओर है, यहाँ पर ये सल्फाइड ओर है, इसकी रोस्टिंग होगी, यहाँ पर भी सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होती है, सल्फाइड ओर जब भी आएगा उसकी रोस्टिंग होगी, यहाँ पर भी रोस्टिंग हो रही है। रोस्टिंग के बाद हमें मेटल मिला, मेटल के बाद हमने क्या किया? रिफाइनिंग प्रोसेस, उसके बाद हमें प्योर मेटल मिलेगी। इतने सारे स्टेप करना पड़ेंगे आपको, सिंगल स्टेप में ये प्रोसेस होती नहीं है, तो आप समझ गए होंगे पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया। हमें सबसे पहले ओर मिला मिनरल से,
जिसमें ज़्यादा परसेंटेज में मेटल है उसे हमने ओर कह दिया। अब ओर जो मिला उसमें कोई भी मेटल हो सकती है, हाई रिएक्टिव मेटल हो सकती है, मीडियम रिएक्टिव मेटल हो सकती है, या फिर लो रिएक्टिव मेटल हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकती है। उस ओर का हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, इम्प्योरिटी को हटाया, लेकिन कुछ हद तक फिर भी बची रह गई कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद। उसके बाद जो हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव मेटल है, उसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमें प्योर मेटल मिली, और जो मीडियम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है, मेटल जो मीडियम रिएक्टिव है, उसका कार्बोनेट ओर होता है और सल्फाइड ओर होता है, इसी फॉर्म में पाई जाती है नेचर में जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है। तो अगर कार्बोनेट है तो उसका कैल्सीनेशन करेंगे। कैल्सीनेशन जो होता है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है कैल्सीनेशन, और कार्बोनेट ओर का होता है। सल्फाइड ओर में ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम करते हैं, यहाँ पर लिमिटेड होता है, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, और यहाँ पर एक्सेस में ऑक्सीजन होती है ना, रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये रोस्टिंग प्रोसेस है, यहाँ पर कैल्सीनेशन है। उसके बाद हमें क्या मिला, जब ऑक्सीजन से इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, कैल्सीनेशन हो रहा है या रोस्टिंग हो रहा है, दोनों में ही ओर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या मिलेगा हमको, ऑक्साइड मिलेगा। दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड ऑफ मेटल है। फिर उसके बाद रिडक्शन करवाएंगे मेटल का, प्योरीफाई है ना, प्योरीफिकेशन करा देंगे मेटल का। अब जो लो रिएक्टिव मेटल है वो सल्फाइड ओर है का फॉर्मेशन करती है। तो ये सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एक्सेस ऑक्सीजन डालते हैं, खूब सारी ऑक्सीजन होती है, तो उससे क्या मिलता है हमें, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। फिर तो यहाँ पर ये मेटल मिल रही है। फिर उसके बाद फिर रिफाइनिंग, ये सारी प्रोसेस है। तो आप समझ गए होंगे, पूरा फ्लो चार्ट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पूरा चार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 11th क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरह समझा दिया है 10th क्लास में, और आप समझ लीजिए। ज़्यादातर बच्चों के ये बात समझ में नहीं आती, वो कन्फ्यूज ही होते रहते हैं कि अरे ये हाई रिएक्टिव है, ये मीडियम, ये हो क्या रहा है, कार्बोनेट है, कभी सल्फाइड हो रहा है, कभी ये है रोस्टिंग कैल्सीनेशन। तो हम लोग आगे के स्टेप में और क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो गया फ्लो चार्ट। मेटलर्जी प्रोसेस है ना, तो ओर से मेटल निकालने की प्रोसेस को ही मेटलर्जी कहेंगे, और मेटलर्जी जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस है। स्टेप वाइज आप समझ गए होंगे कितने स्टेप मैंने आपको बताई, सारे कितने सारे स्टेप्स हैं। ओके, क्या क्या स्टेप्स हैं यहाँ पर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, सेकेंड है ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर, थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल से मेटल बनाने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस है। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर एनरिचमेंट ऑफ ओर। ये देखिए, ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड, सॉल्ट गैंग, है ना। तो जो ओर माइंड होती है, अगर आप अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स ला रहे हैं, मिनरल्स क्या है, ज़्यादा परसेंटेज में अगर एलिमेंट है तो वो ओर है, तो उसके अंदर बहुत सारे मिट्टी, रेत, बालू, मिट्टी, कंकड़, ये सब होते हैं, तो इन सब इम्प्योरिटी को क्या कहेंगे आप, गैंग कहेंगे। द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर पीरियड टू द एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल। जब आप मेटल का एक्सट्रक्शन करते हैं तो इससे पहले ये सब आप हटाएंगे, हटाएंगे तभी तो आपको साफ सुथरी मेटल मिलेगी। तो सबसे पहले आप इन इम्प्योरिटीज को हटाएंगे। द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। ओर की कुछ अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओर में क्या होता है, मेटल्स, हर मेटल की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, और जो गैंग है उसकी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, अगर मैग्नेटिक है तो आप मैग्नेट से कर सकते हैं ना, तो अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मेटल में भी ऐसा होता है, या अदर सेपरेशन मेथड है, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। तो इस तरह आप जो गैंग पार्टिकल्स हैं, मतलब इम्प्योरिटी, या आप इस तरह ओर से रिमूव कर देंगे, एक्सट्रैक्शन से पहले ऐसा हो रहा है।
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लॉ इन एक्टिविटी सीरीज, तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स हो रही है, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो रहा है मेटल्स का, तो जो लॉ एक्टिविटी सीरीज में आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, उनकी बात पहले हो रही है, जैसे कॉपर है, एजी है, एयू है, उनकी बात चल रही है यहाँ पर। फर्स्ट है मरकरी फ्रॉम सिनोवर, मरकरी जो है ये भी लॉ एक्टिविटी सीरीज में आती है, तो यहाँ पर एच जी एस है, सल्फाइड हो रहा है मरकरी का। प्लस 3O2 हीट किया तो एच जी ओ मिलेगा आपको, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ हीट किया आपने। मैं यहाँ पर ये वाला एच जी ओ है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, इसको हीट किया तो एच जी मिला हमें और O2 मिल गया, इस तरह हमको ये मेटल मिल गई एच जी। अच्छा, जो लो एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स आती हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं, लेस रिएक्टिव होने की वजह से सिर्फ हीट करने पर ही आप उसको अपने मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो HgS+3O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए और स्ट्रॉन्गली हीट करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, HgO मिलेगा। आप इसी HgO को फिर हीट दे दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, मेटल HG। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड से हमें कॉपर चाहिए, तो यहाँ पर ये कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गली हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया SO2 यहाँ पर। फिर इसी कॉपर ऑक्साइड को आपने फिर यहाँ पर जो ये है कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करा दिया, तो आपको क्या मिला, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, इसके साथ करवाया है। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल में आती है एक्टिविटी सीरीज के, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो मेटल्स आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर से आप इजीली मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, द सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, है ना। तो यहाँ पर आपको जो मिडल में मिलेगी, तो मिडल में किस फॉर्म में मिलती है, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगी आपको मेटल, मेटल का ओर, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ पर आप उसको पहले ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मेटल आर मेटल ओर्स हीटेड स्ट्रॉन्गली इन एक्सेस ऑफ एयर, देखिए ये सल्फाइड ओर है, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर हीट किया तो ZnO मिला और SO2 मिला। फिर मेटल ओर हीटेड स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑन एयर कैल्सिनेशन है, देखिए अगर एक्सेस में हो रही है, एक्सेस ऑफ एयर रोस्टिंग एक्सेस में हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, रोस्टिंग, ये प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग। और अगर आपने एयर का कोई सप्लाई नहीं किया, मतलब ऑक्सीजन नहीं दिया या लिमिटेड सप्लाई कर दिया, है ना, लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये क्या है, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, अच्छा। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि सल्फाइड से डायरेक्ट जिंक, सल्फाइड से डायरेक्ट जिंक में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, ऐसा भी तो कर सकते थे, या जिंक कार्बोनेट से डायरेक्ट जिंक मेटल में कन्वर्ट कर सकते थे, ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जिंक सल्फाइड जो है, जैसे सल्फाइड ओर है उससे पहले ऑक्साइड ओर बनाएंगे, कार्बोनेट ओर है इससे भी ऑक्साइड ओर बनाएंगे, ऑक्साइड ओर का रिडक्शन ईजीली हो जाता है, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट का इतने इजी नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ऑक्साइड ओरी का फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्साइड ही तो बनाएंगे, इसका ऑक्साइड बना लिया, इसका ऑक्साइड बना लिया, इसका फिर रिडक्शन इजीली हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा नहीं इतना इजीली, तो सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट को, और उसके बाद उसका रिडक्शन करा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फर्स्ट है यूजिंग कोक, कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर कार्बन है, क्या है ये कार्बन, तो यहाँ पर जेड एन ओ जो यहाँ पर बनाता है, ये ऑक्साइड बनाता है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर भी जेड एन ओ बनाता, तो इसका क्या किया, कार्बन के साथ रिडक्शन करवा दिया, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ जब रिडक्शन करवाया, हीट दी, तो क्या मिला, मेटल जिंक मिली जेड एन, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया।
सेकेंड है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करवा सकते हैं आप। किस तरह करवाएंगे? हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही रिएक्शन है मैंने आपको बताया था जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ मेटल होती है जैसे पोटेशियम है सोडियम है और नीचे की तरफ जो थी वो क्या थी Ag है कॉपर है इस तरह नीचे की तरफ थी। तो जो ऊपर वाली मेटल होती है ऊपर वाली मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देती है। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे वाले लेक्चर में इसका जिक्र हो चुका है। तो यहाँ पर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम ऐसा कर सकते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से? सोडियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। देखिए यहाँ पर मैगनीज है ना, मैगनीज ऑक्साइड है यहाँ पर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर Mn आ गया मैगनीज और यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ गया प्लस हीट रिलीज हो गई, हीट निकली है यहाँ पर एनर्जी। इसी तरह Fe2O3 में फेरस का ऑक्साइड है ये, आयरन का ऑक्साइड, यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। एल्यूमिनियम क्या है? जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें टॉप की तरफ आ रही है, ऊपर आ रही है तो ये नीचे वाले को रिड्यूस्ड कर देगी, नीचे वाले को हटाकर उसकी जगह आ जाएगी और उसको हटा देगी, अकेला हटा दिया उसे वहाँ से, निकाल दिया Fe को, निकाल दिया खुद Fe की जगह आ गई Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस हीट। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इनके साथ हीट भी निकल रही है, देखिए यहाँ पर हीट निकल रही है, ये हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होती है तो ये जो रिएक्शन है वो किस में यूज होती है? देखिए इन द अबव रिएक्शन मोल्टन आयरन इज फॉर्म्ड एंड इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक। ये वाली जो रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम हीट किया, Fe मिला हमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला प्लस हीट मिला, तो ये जो है यहाँ पर हीट निकली है तो जो आयरन है ये वाला जो आयरन है वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, मोल्टन स्टेट में मिलेगा, मेल्ट हो जाएगा। मोल्टन आयरन इज फॉर्म्ड एंड इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक होते हैं उसको ज्वाइन करने में यूज होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? थर्माइट रिएक्शन कहलाती है, इसीलिए इसका यूज रेलवे ट्रैक को जोड़ने में या मशीन के पुर्जे वगैरह जो खराब हो जाते हैं उनको, मतलब उनको जोड़ने में यूज होता है, दिस कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? थर्माइट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर थर्माइट प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक, देखिए इस तरह रेलवे ट्रैक को ये जोड़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर अभी तक अगर आपने एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।